दोस्तों नमस्कार। अभी आप लोग यूट्यूबर बनना चाहते हो? हम लोग ऑलरेडी छोटा मोटा यूट्यूबर बन चुके हैं। मेरा चैनल पर 40,000 लगभग सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जो कि आप लोग को सामने दिख रहा है, और ये भाई का लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर्स है। लेकिन दोस्तों आप लोग बनने वाले हो और हम लोग बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें डर रहता है और फुल टाइम हम लोग मतलब फुल डिपेंड यूट्यूब पर नहीं हो पाते हैं। आखिर क्या उनका रीजन है? और आज के टाइम पर दोस्तों बड़े बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और दोस्तों मेरा इस वीडियो से डिमोटिवेट आप लोग को करने का बिल्कुल भी रीजन नहीं है, तो मुझे माफ़ करना, ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को पहले हमारे साथ है विकास भाई, विकास प्रजापति ट्रिक्स, इनका यूट्यूब चैनल का नाम है। कितना सब्सक्राइबर्स है भाई अभी चैनल पर? 5,30,000 प्लस। 5,30,000 प्लस। अच्छा ये बताओ तो सही में कि तुम 5,30,000 सब्सक्राइबर्स करके रखे हो, डर नहीं लगता कभी कि यूट्यूब चैनल मतलब जिंदगी भर का तुम्हारा है इसमें फुल? नहीं, सेफ लगता है फुल चैनल पे मतलब जिंदगी भर? तो वो नहीं हो सकता, सेफ नहीं लगता ना अपने आप को फील, जैसे कि हम हाँ एक सेफ हो चुके हैं। जैसे दोस्तों कोई नौकरी वगैरह होता ना किसी का, वो लोग सेफ फील करता है कि नहीं अब तो मेरा जब तक मेरा 60 साल नहीं होता रिटायरमेंट तक हम काम करेंगे, हमको पैसा मिलेगा। लेकिन तुमको डर लगता है? बताओ दोस्तों इसका 5 लाख सब्सक्राइबर्स है चैनल पर। और अगर अर्निंग की बात करें तो दोस्तों थोड़ा बहुत मैं आप लोग को दिखा भी दूंगा, और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो भाई अच्छा खासा अर्निंग करता आज के डेट पर, ठीक है। अगर एक एक मतलब वीडियो का बात करें, अगर जो वीडियो वायरल है ना तो उसमें भी 1-2 लाख रुपया कमाता है, छोटा मोटा इनकम नहीं है। और दोस्तों मेरा भी अगर बात करें तो मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाता रहता हूँ कि मैं कितना कमाता हूँ। लेकिन दोस्तों हम लोग कमाने के बावजूद भी हम लोग फुल टाइम डिपेंड मतलब फुल डिपेंड नहीं हो सकते यूट्यूब पर। तो दोस्तों अगर आप लोग एक नए क्रिएटर हो और आ रहे हो, तो दोस्तों आप लोग को भी यही कहना चाहूंगा कि यूट्यूब पर फुल डिपेंड मत होना। अब दोस्तों मैं आप लोग को चलिए रीजन का बात करता हूँ। फर्स्ट ये बताओ विकास भाई कि तुम महीना कितना कमा लेते हो अभी 5 लाख सब्सक्राइबर्स पर? महीना तो क्लियरली नहीं बता सकता, लेकिन एक वीडियो जो है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देना, देख लेंगे ऑडियंस। अच्छा लेकिन दोस्तों मैं अपने ऑडियंस को पूरा डिटेल्स बता देता हूँ कि मैं जो 40,000 सब्सक्राइबर्स है ना, मंथली अगर मैं मेहनत करूँ ना तो 10,000 रुपये मैं आराम से कमा लूंगा, जो कि एक प्राइवेट जॉब देता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं फुल डिपेंड इसलिए नहीं होने बोलूंगा क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स रो रहे हैं। और दोस्तों बड़े बड़े का अगर बात करें तो दोस्तों आप लोग ये मत समझना कि दोस्तों हम ही लोग ऐसा है। अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब में कोई भी फील्ड में कोई भी यूट्यूबर्स को ले लो, सपोज दैट आप लोग अगर टेक चैंपियन सपोर्ट मनोज दे स्प्रिंडिंग गैन, तो गाइज इन लोग को भी टेंशन लगा रहता अपना करियर को लेकर के, अपना यूट्यूब चैनल को लेकर के, क्योंकि दोस्तों ये जो अप डाउन है ना ये सबके साथ होता रहता क्या भाई? हाँ, बिल्कुल है ना। अच्छा कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि अप डाउन? हाँ, वो तो हमेशा होते रहता है। कैसा लगता फिर अगर आपका चैनल पे व्यूज ज्यादा जाएगा? हाँ। तो मजा आएगा काम करने में कि हाँ भाई व्यूज जा रहा है। हाँ। अच्छा खासा इनकम आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी डाउन होता है ना, हाँ, डिमोटिवेशन जैसा लगता है, फिर सोचे ऐसा लगता नहीं वीडियो फिर बना है। हाँ। ऐसा होता ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डाउन आता है तो आपको डिमोटिवेट हो जाना है और छोड़ देना है। डाउन आता है तो वो भी एक मतलब प्रोसेस ही होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डाउन आता है कभी कभी। जैसे फेस्टिवल वगैरह में ज़्यादा चैनल डाउन रहता है, जैसे अभी दुर्गा पूजा था इसमें मेरा भी चैनल अभी डाउन रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर करके चैनल मतलब कंटिन्यू काम करते जाना है। तो ऐसा नहीं होता कि कभी चैनल डाउन होता तो लगता कि नहीं यार कोई प्राइवेट जॉब ही करता तो बढ़िया रहता? ऐसा कुछ नहीं लगता। ऐसा तुमको नहीं लगता होगा भाई, लेकिन मैं सीरियसली बताता हूँ, अपना बताता हूँ। दोस्तों अगर कभी ऐसा होता ना कि चैनल डाउन होता तो लगता कि यार कि कुछ अलग से करना होता तो बढ़िया होता, क्योंकि भाई YouTube जो चीज़ है ना ये डेली आपको एक डोपामिन देता है। मतलब सपोज दैट 5,000 डेली आपके व्यूज़ आते हैं ना तो आपको एक खुशी वाला डोपामिन रिलीज होता है आपके माइंड में। लेकिन अगर दोस्तों 5,000 से कम गया कहीं, गाइस इतना ख़राब लगता है ना कि उस दिन नींद नहीं आएगा, ऐसा ही होता होता कि नहीं भाई? और ये मेरे साथ और इसके साथ नहीं भाई, ये अगर कोई बड़ा क्रिएटर है मैं तो बता दे रहा हूँ, अगर सपोज दैट कैरी मिनाटी भाई वीडियो अपलोड करें और हम लोग का एक नंबर होता है यूट्यूब पर के, ये एक नंबर 1 से लेकर 10 नंबर तक रैंक होता है डेली वीडियो छोड़ते हैं तो दोस्तों अगर किसी का 10 नंबर पर चल जाना तो सबका ये डिमोटिवेशन फील होता है। अगर आप लोग भी एक क्रिएटर हो तो रिलेट कर पा रहे हो मेरे बातों से। अब दोस्तों मैं आप लोग को ये बात बता देता हूँ, अगर आप लोग मतलब यूट्यूबर बनना चाहते हो, एक अच्छा खासा पोस्ट लेना चाहते हो, तो मैं फुल डिपेंड और क्यों नहीं होने के लिए बता रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये सोशल मीडिया है और यहाँ पर स्ट्राइक का बहुत झमेला होता है। अच्छा सही बताओ भाई कभी स्ट्राइक झेले हो चैनल पर? बहुत बार। बहुत बार कभी ऐसा हुआ कि चैनल अब खत्म होने के कगार पर आ चुका है? एक बार 2 स्ट्राइक आया था तब। 2? हाँ 2 स्ट्राइक आया था। मतलब समझ रहे हो, 3रा स्ट्राइक आ जाता तो चैनल पूरा उड़ जाता, हो जाता ना खत्म। लेकिन ऐसा था कि
दो महीना एक स्ट्राइक का हो चुका था, एक महीना बचा था, उसमें एक स्ट्राइक आया था। तो भाई एक महीना जो बीता था ना, मतलब पूरा डर डर से कि और तीसरा स्ट्राइक आ जाए तो चैनल खत्म। दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर तीन स्ट्राइक अगर आ जाता है तो गाइस आपका चैनल कोई नहीं बचा पाएगा और आपका चैनल एकदम खत्म हो जाएगा। अब बताओ कि तुम्हारा 1 मिलियन मान लो सब्सक्राइबर्स है, बहुत मेहनत से 2-3 साल लगाए हो, और अगर 3 स्ट्राइक आकर के चैनल खत्म हो जाता है क्या बचेगा यूट्यूबर के पास? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोग का कहना चाहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पर आओ, मैं मना नहीं करूंगा, आप लोग को मैं डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फुल डिपेंड मत होना। क्योंकि दोस्तों अगर किसी का परिवार चल रहा है, किसी का घर चल रहा है यूट्यूब की वजह से, बहुत जन का घर परिवार चल रहा है दोस्तों। और एक चीज बता देता हूँ, सपोज दैट ये मेरा भाई है, ठीक है, इसका घर भी आज यूट्यूब की वजह से चल रहा है, ठीक है, तो ये मान लो कि 20,000 कमाता, सपोज दैट 20,000 कमा रहा, और मान लो स्ट्राइक आके इसका चैनल अगर खत्म हो जाता, बताओ महीने का 20,000 आएगा कहां से? ये है ना टेंशन। अब क्या लगेगा, मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप लोग यूट्यूब पे आते हो और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, अच्छा खासा इनकम करने लगते हो, तो आपको क्या करना है, पैसे को सेव करके रखना है और कोई अच्छा सा बिजनेस करना है। बस यही मैं भी कहना चाहता हूँ गाइस, साइड से एक मतलब बचने के लिए कुछ ना कुछ करके रखना। सभी क्रिएटर से मैं कहता हूँ, अभी तक जितने सक्सेस भी ना उनसे भी कहता हूँ। अब दोस्तों आप लोग ये बोलोगे कि सपोज दैट मान लो कोई एक लड़का है और गरीब, ठीक है, और कोई एक लड़का बहुत मतलब अमीर है, ठीक है, मतलब कोई सपोज दैट मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ डेली और मैं 100 दिन तक 1-1 रुपया कमाऊंगा तो कितना कमाऊंगा, 100 रुपया। ये बंदा 10 दिन में 100 रुपया कमा लेता है, लेकिन दोस्तों टेंशन दोनों का है। मान लेते इस ये अगर 10 रुपया कमाता है ना तो इसका 8 रुपया खर्चा भी होगा, मैं अगर 1 रुपया कमाता हूँ तो मेरा 50 पैसा खर्चा होगा, ऐसा ही लाइफ चलता भाई। क्योंकि हम लोग लाइफ में किसी को भी अगर देखते हैं ना, तो मैं अगर 10,000 कमा रहा हूँ तो मैं 10,000 में जी ले रहा हूँ, मैं अगर किसी को देख रहा हूँ ना, अरे भाई ये 50 कमा रहा, मैं अभी शायद 50 कमाता, लेकिन दोस्तों मैं जब 50 कमाऊंगा तब लाख में जाऊंगा, क्योंकि मैं जब 50 कमाऊंगा ना तब मेरा 30,000 खाली खर्चा होगा महीने का। आप ऐसा समझो कि अगर आपका अर्निंग बढ़ता है तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, ऐसा मतलब हाँ। पहले 10,000 में आपका पूरा घर का खर्च निकल जाता था, लेकिन जब आप अर्निंग करने लगोगे, अगर 50,000 मंथली कमाओगे तो आपका 40,000 में घर चलेगा। हाँ ये अगर आप लोग 10,000 कमाओगे ना तो आप लोग का 5,000 में घर चल जाएगा, 7,000 में घर चल जाएगा, लेकिन दोस्तों जब आप लोग 50,000 कमाओगे तब 30,000 खर्चा होगा, क्योंकि आपका शौक बढ़ेगा। और इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि कोई अगर बड़ा यूट्यूबर बन गया तो ये मत सोचो कि उसका आने वाले दिन में टेंशन नहीं होगा। कभी मान लो चैनल देखो अप डाउन होता है, बहुत क्रिएटर्स का डाउनफॉल वगैरह होता है, दोस्तों अगर वो साइड से कोई बिजनेस वगैरह नहीं करके रखता ना तो उनका जो एक्सपेंसिव खर्चा है, सपोज दैट मैं एक कार चलाता हूँ, ठीक है, वो कार के पीछे खर्चा है, मैं घर में बिजली बिल आता है, एसी आता है, गाइस वो एक्सपेंसिव चीजें कहां से करोगे, सपोज दैट आपका चैनल बर्बाद हो जाए तो। इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो पर्सनली मैंने बताया, जितने स्टूडेंट भाई लोग हो, जितने भी वर्कर्स भाई कोई प्राइवेट जॉब छोड़ करके यूट्यूब पर आ रहा, गाइस साइड से एक अपॉर्चुनिटी जरूर रखना हाथ में, वरना गाइस पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि ऐसे ही करके हमारे बहुत क्रिएटर्स भाई बर्बाद हुए हैं, जिनको आज मतलब कुछ भी काम करना पड़ता है, सपोज दैट कुछ भी मतलब मिले ना वो करना पड़ता है, और ये हमारे साथ भी होता है। लेकिन एक चीज है कि अगर आप यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ ना जाके अंदर में वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो आपका चलो भाई मैं मानता हूँ गाइडलाइन के खिलाफ नहीं, लेकिन कोई हैकर्स भी तो है कि हैक कर लेगा। देखो बर्बाद करने का रास्ता आप कहीं से भी बर्बाद हो सकते हो, तो इसीलिए बचने का एक रास्ता उपाय कर लेना, बस मेरा यही कहने का मतलब है आज के इस वीडियो से। बाकी दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि YouTube करो, मना नहीं करूंगा, लेकिन YouTube के साथ एक कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी जरूर बना के चलना, और ये मैं सबसे कहता हूँ, क्या भाई? बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाकी विकास भाई आया हुआ है बिहार से, भाई धनबाद, बिहार से झारखंड। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।